देखो दीदी, ये फसल ना बच्चों की तरह होता है, इसको आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। समय से सिंचाई करना, समय से कटाई छटाई करना, और सबसे जरूरी बात है इसको खतरे से बचा के रखना। खतरा? कैसा खतरा दीदी? अरे आपको पता नहीं, फसल में कीड़े लगते हैं और रोग लगते हैं। कीड़ा? कीड़ा तो फसल को बर्बाद ही कर देता है दीदी। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या लक्षण है और उसको कैसे रोका जाएगा। ठीक है दीदी, मैं भी खतरों के लक्षण के बारे में पता करूंगा और पहले से ही इसकी तैयारी करूंगा। अरे आ गए। हाँ, आ गया। पानी दूं? नहीं, अभी रहने दो। क्या हुआ, थोड़े परेशान लग रहे? बस ऐसे ही, अभी जब हम घर आ रहे थे तो एक दीदी बता रही थी कि फसल का ख्याल कैसे रखना है और उन्हें खतरों से कैसे बचाना है। तो इससे हमें क्या लेना देना? इससे तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारी भी तो गर्भावस्था के शुरू के महीने हैं, तो क्यों ना हम NM दीदी से जाकर मिलें और ये पता करें कि इस दौरान खतरों के क्या क्या लक्षण हैं, ताकि हम भी इसकी तैयारी कर सकें। कितना सोचते हैं आप हमारे बारे में। अब हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो चलिए ना, NM दीदी से मिलकर हम लोग पूरी जानकारी ले लेते हैं। हाँ चलो, शुभ काम में देरी क्यों, चलो। नमस्ते नमस्ते, आओ अनीता, बैठो। कैसी है दीदी? मैं तो ठीक हूँ। और क्या पढ़ाई चल रही है? अरे ये पढ़ाई तो जानकारी बढ़े इसलिए है, ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। अच्छा दीदी, ये किताब किस बारे में है? ये किताब गर्भावस्था के बारे में है और इसमें सभी जानकारी दी गई है। अरे हम भी इसी के बारे में बात करने आए हैं। अच्छा अनीता, तुम अपना ख्याल रख रही हो ना? हाँ दीदी, हमसे ज्यादा तो ये ध्यान रखते हैं हमारा, और अभी भी तो इन्हीं की वजह से आए हैं यहाँ। अरे वाह, पूछो क्या पूछना चाहते हो? हम दोनों ये जानना चाह रहे थे कि गर्भावस्था के खतरे के क्या क्या लक्षण हैं और उनके क्या क्या उपाय हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है अनीता, कि तुम दोनों समय से पहले ही खतरे और उनके लक्षणों के बारे में जानना चाहती हो। इसे समय से पहले के उपाय की तैयारी करना आसान होगा। हाँ दीदी, हम पहले से कोई खतरे का मौका आने ही नहीं देना चाहते हैं। देखो त्रिवेणी, सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान देना है कि अनीता कोई भी भारी काम ना करे और उसे पूरा पूरा आराम मिले और वो खाना भी ठीक से खाए। जी दीदी, मैं इसका पूरा ध्यान रखता हूँ और आगे भी रखूंगा। यहाँ वीडियो रोक कर चर्चा करें, सुरक्षित गर्भावस्था के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। गर्भावस्था में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर योनि में जलन और ज्यादा खून का आना, अगर ये लक्षण दिखता है तो तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए। और दीदी, अगर सूजन ज्यादा हो तो? थोड़ी सूजन तो होती है, लेकिन अगर इसके साथ ही सांस लेने में कमी हो, या सांस उखड़ने लगे, या सांस लेनी मुश्किल हो, या फिर अचानक से नजर धुंधली हो जाए, तो ये सभी खतरे के लक्षण हैं। फिर क्या करना चाहिए दीदी? देखो अनीता और त्रिवेणी, अभी जो भी मैं लक्षण बता रही हूँ, इसका पता चलते ही तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना है और घरेलू नुस्खों में पढ़कर किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी है। जी दीदी, हम इन बातों का ध्यान जरूर रखेंगे। इसके सिवा अगर बार बार बुखार आए, या चक्कर आए, या ज्यादा उल्टियाँ हो, तो ये सभी खतरे के ही लक्षण है। और साथ ही अगर पेट में बच्चे की थोड़ी हलचल बंद हो जाए तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए। अच्छा, और जब अनीता को पेट में ज्यादा दर्द हो तब भी तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा ना? बिल्कुल सही कहा त्रिवेणी, ज्यादा दर्द होना भी खतरे का एक लक्षण है। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें, गर्भावस्था के दौरान होने वाले खतरों के लक्षण क्या क्या होते हैं। दीदी, ये सब सुनकर तो घबराहट हो रही है मुझे। अरे नहीं अनीता, ये तो बस खतरे के लक्षण है और इसकी जानकारी तुम दोनों को होनी चाहिए। अगर तुम अपना ध्यान रखोगी, अपने खान पान पर ध्यान रखोगी, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा।
बिना किसी लापरवाही के और घरेलू नुस्खों में ना पढ़कर तुरंत किसी डॉक्टर या एएनएम दीदी की सलाह लेना। अनीता तुम चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा। बस तुम्हें कुछ महसूस हो तो बताने में कभी मत झिझकना। आपसे तो मैं सब बातें कर सकती हूँ जी, आप मेरा इतना ख्याल जो रखते हैं। जीवन संगिनी हो तुम हमारी, तुम हमारा और हमें तो तुम्हारा ख्याल रखेंगे ना। क्या बात है भाई, देखा अनीता, अब तो कोई चिंता की बात नहीं है ना, बस त्रिवेणी को बता देना कुछ लगे तो। नहीं दीदी, अब तो कोई चिंता नहीं है, ये है ना हमारे साथ। दीदी आपने हमें जानकारी दी और मौका दिया पहले से तैयार रहने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दीदी, अपना नंबर दीजिए ना। अरे पिछली बार ही तो दिया था ना। हाँ दीदी, लेकिन मोबाइल में रखना चाहता हूँ, बाप नंबर वन जो बनना है। अच्छा अच्छा, तो ले लीजिए ना, 9308771710। अच्छा दीदी, अब चलते हैं। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। गर्भावस्था में खतरे के लक्षणों की पहले से जानकारी रखें। अपनी एएनएम दीदी से मिलें और कोई खतरे के लक्षण दिखने पर तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाएं। घरेलू इलाज ना करें और तुरंत बिना किसी लापरवाही के डॉक्टर या एएनएम दीदी से सलाह लें। ध्यान देने योग्य बातें। गर्भावस्था में महिला को कोई भी भारी काम नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान होने वाले खतरों के लक्षण आपको पहले से पता होना चाहिए। इस दौरान अगर कोई भी खतरे के लक्षण आपको दिखाई दें तो तुरंत ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या एएनएम दीदी के पास जाना चाहिए। इस दौरान आपको घरेलू नुस्खों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए।